एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्या का लाभ कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साठिया और इसका सबूत हमने कोर्ट। It was in 2021 that celebrity couple Karan Mehra and Nisha Rawal sent shockwaves across the entertainment industry. Karan Mehra, the Ye Rishta Kya Kehlata Hai actor, was accused of domestic violence by his estranged wife. She even filed a police complaint against him. Months later, Karan Mehra decided to share his side of the story. The actor leveled serious accusations against his wife, including infidelity. पहले मैंने एक दो महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है। तब काफ़ी आईब्राउज रेज हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए हैं, ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बेसिकली सबूतों के बिना पे हो रहा है, मतलब अदरवाइज ऐसे ही हवा में बोलने में तो काफ़ी लोग बोलते ही हैं। सो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी आर स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साठिया। अब रोहित साठिया कौन है, कुछ लोग जानते हैं रोहित साठिया कौन है। बेसिकली रोहित साठिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा, हमारी शादी में इसने कन्यादान किया। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साठिया और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया। अब ये बात ऑफकोर्स मैं पहले आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता था बिकॉज आई डिड हैव प्रूफ। अब एक चीज़ जैसे मेरे साथ हुई थी पिछले साल, करेक्ट, उस टाइम पे मैं आगे आके अगर ये चीज़ बताऊं तो कैसा लगेगा, सडनली द परसेप्शन अगेन गोज कि अरे इसके ऊपर लगाई ये चीज़ें तो अब शायद ये ऐसा बोल रहा है और देखो भाई बहन के लिए बोल रहा है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आई डिड रेज दैट क्वेश्चन। मुझे 14 महीने लग गए हैं सबूत इकट्ठा करने में, 14 months इट्स टेकन फॉर मी। एक एक चीज, एक एक इवेंट, एक एक सबूत वहां से लेकर आओ, इससे बात करो, दोस्तों ने कुछ बताया, इसने कुछ बताया, कुछ चीजें हार्ड एविडेंस आपके पास आ जाती हैं, ये सारे सबूत इकट्ठे किए गए। इट्स टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माय एंड। द एक्टर आल्सो रिवील्ड दैट ही एंड हिज फैमिली हैव बीन गेटिंग डेथ थ्रेट्स। एक और चीज है, आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स, मतलब एक नो कॉलर आईडीज होती हैं आजकल, है ना, नंबर पता ही नहीं चलता है, राइट तो मुझे नो कॉलर आईडी से कॉन्स्टेंटली फ़ोन आते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे दिखाई देते हैं, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, ठीक है। नहीं, इट्स नॉट लाइक एन एविडेंस, आई जस्ट शोन यू नाउ, आई हैव इट, ठीक है। ये सब अब जो भी है, दिस इज जस्ट नो कॉलर आईडीज आती हैं ऐसे। अब इनमें से शुरुआत में कभी, क्योंकि रात को कभी आप सो रहे हो तो एकदम से आ गया था, तो शुरुआत में एक दो बार जब आई तो एक बार मैंने उठा लिया। सो देन आई वाज अगेन थ्रेटनिंग कि भाई ये केसेस वेसेस ख़त्म कर लो वरना इसका रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने कभी उसको उठाया नहीं, देखिए बिकॉज कल को कुछ मुझे हो जाए या मेरे मदर पेरेंट्स या कुनाल पे किसी तरह का कुछ किया जाता है उनके साथ, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है।